वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ सालों तो पंजाब की धरती के उत्ते कुछ नकली पास्टरां वालों सिखां नूं जबरी ईसाई बनाने वास्ते एक पखंडवाद का सहारा जिहड़ा लिया जा रहा, वो कुछ किया जा रहा है जिसकी ईसाइयत भी इजाजत नहीं देती और सिखां नूं गुमराह करके, कल्ले सिखां नूं नहीं पंजाब दे हिंदुआं नूं भी गुमराह करके तेजी दे नाल ईसाई बनाउण दा जिहड़ा पंजाब दे विच जतन है, इस सरकार दी नक थले चल रहा है। हालांकि धर्म दे नां दे उत्ते जे कोई पखंड करदा है ते भारतीय संविधान दीआं धारावां दे मुताबक उहदे ते परचे जिहड़े है उह दर्ज हो जांदे है, हुंदे भी है, लेकिन यह पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते जिहड़ा ये पखंडवाद का ड्रामा रच रहे हैं, इन्हां ते कोई भी सरकार जिहड़ा है एक्शन लैण दे लई जिहड़ा है वह तैयार नहीं है, वोटां की राजनीति कारण। निहंग सिंघां वल्लों पिछले 6 महीनों तो पुलिस नूं दरखास्तां दित्तियां जा रही सी कि साढ़े इलाकों के लोग जबरी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन वालों कोई भी इन्हों के खिलाफ जी कार्रवाई नहीं की। सिख किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, ना किसी के धर्म दीयां मानतावां के खिलाफ है, सिख पखंडवाद के खिलाफ है, चाहे वह सिखा च क्यों ना आता हो। तो जो अपने पद्धर के उत्ते कुछ निहंगा सिंघां ने उन्हां नूं रोकण दा यतन किया, जो प्रशासन ने गल ना सुनी, सरकार के कन्नां ते जू ना सरकी, तो जो निहंगा सिंघां ने अपने पद्धर के उत्ते इन्हां दे इस चर्चा प्रोग्राम नूं रोकण दा यतन किया जिहदे विच नाच गाने चल रहे सी, दंभ फैलाया जा रहा सी, पखंड फैलाया जा रहा सी, ते रात पता लग्या कि इन्हां निहंगा सिंघां दे उत्ते 150 दे करीब सिखां दे उत्ते परचे जिहड़े आ 295 धारा तहत जिहड़ी आ उह दर्ज कर दित्ते गए, जो बहुत मंदभागा है। पंजाब दी धरती दे उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वह किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। भोले भाले लोगों नूं गुमराह करके धर्म तब्दील करवाउणा, इहदा भारत दा कानून भी जिहड़ा है वह आग्या नहीं दिंदा, ते इह किस तरह शरेआम जिहड़ा है वह जबरी धर्म परिवर्तन की लहर जिहड़ी है पंजाब के खास तौर के उत्ते बॉर्डर का जिहड़ा एरिया है पंजाब का, उस बॉर्डर के एरिए दे विच धर्म परिवर्तन की जिहड़ी है लहर चला रहे हैं। भारत सरकार नूं भी जागना चाहिए और फौरी तौर के उत्ते कदम जिहड़े आ चुकने चाहिए है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के विच जे कुछ इस तरह का बाहरी ताकतों के सहयोग के नाल ये लोग जिहड़े है बॉर्डर की एरिए दे विच जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा चलाउंदे है, तो मैं समझदा कि भारत स्टेट वास्ते भी जिहड़ा है खतरे की घंटी है आने वाले समय के अंदर। तो पंजाब सरकार नूं असीं कहना चाहते हैं कि ये परचे जिहड़े रद्द किए दर्ज किए ने, इन्हां नूं तुरंत जिहड़ा है वह रद्द किया जाए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब दुनिया भर का सिख जिहड़ा है इन्हां निहंगा सिंघां दे नाल खड़ा है और खड़ा रहेगा। 5 सितंबर नूं श्री आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते असीं एक वड्डा प्रोग्राम भी जिहड़ा वह लेके आ, उहदे विच भी इस संबंधी जरूर जिहड़ा कोई ना कोई मता पास किया जाऊगा, विचार की जाऊगी, क्योंकि हुण होर जिहड़ा है पखंडवाद के नाँ के उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। कितनी कमाल की गल है कि ज़्यादातर निशाना जिहड़ा है वह पछड़ियां श्रेणियों नाल संबंधित जिहड़े साडे सिखां दे परिवार ने उहनां नूं बनाया जा रहा है, जां हिंदुआं दे परिवार है उहनां नूं बनाया जा रहा है, जबकि देश का जिहड़ा कानून है वह कहता है कि सिर्फ तो सिर्फ रिजर्वेशन का जिहड़ा लाभ है वह हिंदुआं सिखां नूं मिलता है, ईसाइयां नूं नहीं मिलता। तो फिर ईसाई बन के रिजर्वेशन के लाभ जिहड़े है ये किस तरह लए जा रहे हैं पंजाब की धरती के अंदर, यह भी एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वह चिंता का विषय और सोचने वाली गल है। तो मैं समूह पंजाब दे विच वसदियां सिख जथेबंदियों नूं संप्रदावां नूं यह अपील करांगा कि जिथे जिथे भी ये पखंड दीआं दुकानां चलदियां ने प्रशासन के कोल इन्हां दे खिलाफ दरखास्त दी जावे, तो भारत का कानून जिहड़ा पखंडवाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करन वास्ते कहिंदा है जिहड़ी धारा के तहत, वह धारा के तहत जिहड़ा इन्हां ते मुकदमे जिहड़े है वह दर्ज करवाए जाण। कितनी हैरानी की गल है कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर के उत्ते अपने आप नूं तर्कशील कामरेड अखवाउण वाले लोग जिहड़े ने वो सिखां बारे तो बोलते हैं,
लेकिन जदों ये शरेआम जिहड़ा है वह पखंडवाद को बढ़ावा देंदे आ, पखंडवाद जिहड़ा है उसनों जिहड़ा है ये प्रमोट करते हैं, तो इत्थे कामरेड धिरां दी जां तर्कशील धिरां दी जिहड़ी चुप्पी जिहड़ी है वह भी ये साबित करती है कि सिर्फ तो सिर्फ सिर्फ तो सिर्फ ये सिखां दे अगेंस्ट जिहड़ा है वह बोलण दे लई ही पंजाब दी धरती दे उत्ते तैयार किए गए हैं स्पैशल तौर पर। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा पंजाब सरकार नूं भी भारत सरकार नूं भी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर बाहरों फंडिंग जिहड़ी है जिथों तक पता लग्या है कि आ रही है, तो उस फंडिंग दे नाल जिहड़ी ये धर्म परिवर्तन की लहर जिहड़ी है अखौती जिहड़े नकली पास्टरां वल्लों चलाई जा रही है इस ढंग दे नाल इस तरीके दे नाल जिहदी चर्च भी इजाजत नहीं दिंदी, मैं समझदा कि बहुत मंदभागा है। भारत सरकार नूं इहनूं नत्थ पाउण की जिहड़ी है फौरी तौर दे उत्ते जरूरत है, ते नहिंगा सिंघां दे उत्ते परचे जिहड़े है वह दर्ज हो रद्द होने चाहिए ने, ते जे परचे जिहड़े रद्द नहीं हुंदे ते श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों कोई वड्डा एक्शन प्रोग्राम जिहड़ा वह लिखा जाऊगा जिहदी जिम्मेवार जिहड़ी है वह प्रशासन भी होगा सरकार भी होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।